ठीक है। रोल रविंद्र सिंह जी जिला कलेक्टर से आज मिलने पहुंचे हैं, क्या मुलाकात हुई है, क्या हाल निकला की बात है? देखो वार्ता दौर लगातार जारी है, ये पहले भी काले भी काफी लंबी वार्ता चली और आज भी मां मारो पक्ष राख्यो है, पर मां स्पष्ट रूप में मिलना जिला प्रशासन ने आज कहे है कि आप कोई ठोस विश्वास मां रही लोगों ने ग्रामीण जनाना लिखित रवीना कोई चीज अगर जब तक नहीं दे हो जब तक धरना जारी रहे। जाहिर सी बात है कि आप देखो कि लाला 12 दिन में यह तमाम ग्रामीण जन पूरे क्षेत्र का लोग आप रही ये ओरणना आप रही ये जमीना बचाने वास्ते बैठे हैं। एक तरफ आप सब बात करा गौरी, आप बात करा जमीन रही, आप बात करा संस्कृति रही, बात करा तमाम चीजा रही, और दूसरी तरफ जब मल्टीनेशनल कंपनीज रो ये तरीके रे मिला आतंक जद बदे तो जाहिर सी बात है कि दुख ये पूरे क्षेत्र की जनता ना हो। आज री वार्ता कोई विशेष निष्कर्ष निकले को नहीं है, धरनो आगे भी जारी रहे जब तक कोई संतुष्ट पूर्व कोई जवाब नहीं मिले जब तक है संघर्ष जो है जारी। रविंदर सिंह जी आगे कहाँ जाएंगे, भैया गांव जाएंगे आगे धरना स्थल पर? बिल्कुल धरने वादे जा, ये कोई लाग लपेट को नहीं है और पूरे मजबूती रे बेड़ा संघर्ष करा, गांव वाला जो को इतना दिन मैंने संघर्ष कर रहा है ये बीच राम मैंने फोन छोड़ा मजबूती रहना यार बड़ा कंदम कंदम आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे रणनीति तय करा, आज बुजुर्ग ने सभा ने बुला, बड़ा बुजुर्ग हमारे सभा ने मार्गदर्शन देना आगे ले। पुलिस और प्रशासन की कार्य प्रणाली पर आप क्या कहें? देखो प्रशासन जोर जबरदस्ती तरीके मिला इधर लोगों की आवाज न दबाने का प्रयास करे, पर उन्होंने खुले शब्दों में चेतावनी चाहूँ कि ये तरीके दादागिरी ये क्षेत्र में ना चलन को नहीं गया। आप लॉ एंड ऑर्डर नाम मात है कहीं भी कर लो एक कतई सूरत कोई भी सूरत में ना बर्दाश्त कर चाहिए। क्या लगता है पुलिस का जो भारी जाप्ता वहां इमदाद भेजी गई? बिल्कुल आप भारी जाप्ता लगाओ, सब चीजें करो, सब ये जमीन वास्ता लड़ाई थे। आप सोचो कि साथ साथ पीडीएम जगह माथा देना है, आज वो जमीन है कहे कि छोड़ दो हमारे साहब, यहां लोगों की पशुधन के जा है, लोग के जा है, ये तरीके में ना आप बढ़ रहे हो, अतिक्रमण कर रहे हो, अब ये तरीके में ना एक कतई सूरत कोई भी सूरत में बर्दाश्त को नहीं करा। आप देखो कि रामगढ़ वाले ये पूरा क्षेत्र है मेरा, हजारों लाखों बीघा जमीन जो है यह एक्वायर कर ली, आप यह मुलाना द्वारा वाले ये क्षेत्र में मिला जाओ हजारों बीघा यह एक्वायर कर ली, सिंचित जमीन एक्वायर कर ली, धीरे धीरे सोडान दी और बढ़ रहा है। मल्टीनेशनल कंपनीज ये तरीके रो रवैयो कतई स्वीकार को नहीं है, कई सारा लोग इतना दिन संघर्ष करता पड़ा पर हर बार हमारी आवाज ना दबा दी जाए, कोई अगर विरोध करने वास्ते आगे आए तो पुलिस वाला उसी जगह वहां घेरे करे और वहां दबा दे, लोकतंत्र में मीना ठीक को नहीं है। जाहिर सी बात है कि मैं जनप्रतिनिधियां यहां लोगों और साथ सहयोग और आशीर्वाद माना मिलो है, यहां की बात ना कोई भी सूरत में ना दबाने रात्रि विश्राम भी वहां पे किया है। बिल्कुल सब रात रुका क्यों कर सब यहां की बदौलत में पहुंचे आज जे खड़ो हाँ ये जो बाइट दिया बड़े हुए यहां लोगों की बदौलत खड़ो है, तो यार वास्ते जेल के भी माथो देना पड़े माथो दया मजबूती में खड़ा है। पुलिस का कहना है कि जिन लोगों को डिटेन किया गया बिल्कुल वार्ता वास्ता मन बुलाया था और उन्होंने कहो कि आप वार्ता करा, मैं हमारों भी मान लो है कि वार्ता में ना कोई न कोई गली निकले कर वार्ता हर दौर राज रहना चाहिए तो वहां वार्ता करें। डिटेन किए दो लोगों को कल छोड़ाया था, उसके बाद पुलिस ने भी देखो आप स्पष्ट रूप में मिला सुनता पड़ा कि बुटन जो माननीय जो भी अधिकारी था वो कहो कि साहब गिरफ्तार कौन करे, मां तो बस उन्होंने बिठाया है तो वहां नॉर्मली उन्होंने बिठाया और जाहिर सी बात है इतना इतना लोगों ने मीना जब ठेके ना जीप में मीना बिठा हो करो तो मैं उन्होंने कहा कि ये में एक नेगेटिव मैसेज जाहिर पैनिक क्रिएट हुआ आम लोगों ने बिछे तो आप ये ना फ्री कर दे रहे हो तो उन्होंने लोग फ्री करे नॉर्मल चीज है। उसके बाद तो पुलिस ने प्रेस नोट भी जारी किया है, पुलिस प्रेस नोट जारी कर दी, उन्होंने जो को करना है जो सफाई देना देना वो कोई फर्क नहीं पड़े, माना जो को काम करना मैं कर। आज क्या लगा वार्ता में? देखो अब तक कोई निर्णय तक पहुंचा को नहीं है, जब कोई निर्णय मत पहुंचा तो नहीं भैया गांव के जो सरपंच वो बोल रहे हैं कि खसरा नंबर 550 गवन है तो वो उनकी निजी संपत्ति है और कुछ असामाजिक तत्व है तो और भी एक चीज आप बताऊं कि आप लोग काम करो, मैं डेवलपमेंट का कोई भी तरीके में खिलाफ को नहीं, आप मजबूती में काम करो, आप बढ़िया अबार जो तो प्लांट आ रहे हो ये करते बेवड़ो प्लांट आप लगे पर कम से कम आप ओरन रही जो भगवान का नाम जमीन आपने जो कुछ पड़ा करता वही निर्णय तो करो, ये तरीके में ना तो पूरे जमीन जा है मेन में के जा जैसलमेर वासी जो को आग बिठा है ईयर की स्थिति विचार करना पड़े बेसिक मंत्रणा करनी पड़े साहब, आने वाली जो पीढ़ी उसे वो किया ले साइड जा है। आज जो को लड़ाई लड़ा पड़ा ये कोई एक भैया गांव की लड़ाई को नहीं साहब, ये लड़ाई ये पूरे क्षेत्र की है हर आदमी की लड़ाई, आज
देखो सब हमेशा जब भी ये धरती रे माथे ये जैसलमेर रे मीना बाड़मेर रे मीना ये मारवाड़ रे मीना आदमी जदे जन्मे तो भेड़ो काल नीर जन्मा करे पेल पानी कोने तो जदे संघर्ष करियो हमें थोड़ा घना दिन सुआ आया तो मल्टीनेशनल कंपनी जाएगी या द्वारा मूड़ा ने दी जब थोड़ा घो पानी आयो और कहीं जीरो साउंड और लागो जितना ये एक्वायर करी हम साहब वो गरीब आदमी यार बात कौन रखे एक साहब आदेश निकलो यार हो गयो साहब ये जो जमीन आती जिके ना ओरन नाम आता दर्ज को नहीं करी अगर सिस्टम पेल पूरे तरीके में जागरूक रह कर दी होती तो शायद आज नौबत को नहीं आती ये चीजों के बारे में सोचना पड़े सब लोगों ने विचार करना पड़े और जो लड़ाई है ये पूरे क्षेत्रीय हर हुए आदमी री है कोई जाति कोई धर्म कोई राजनीतिक पार्टी को नहीं लड़ाई है हमें तो कोई चुनाव भी को नहीं मिले हमें तो कोई चुनाव होता हुआ तो समझ में आए साहब कोई पॉलिटिकल चीजा चले वो तो मैं क्षेत्र में न सोरो बैठा पर ये तो स्थिति दी थी हमारे लोगों ने ये तरीके में तड़पता दिखा तो लागू कि वाकई साहब ये बात ना मजबूती रखनी चाहिए। आप वार्ता के लिए अंदर गए थे काफी वारंट पर हमें बाहर खड़े थे उन्हें अंदर भी नहीं घुसने दिया पुलिस द्वारा तो देखो मना ये चीज ठाकुर ने थी और ओरन प्रेमी मजबूत है इतने लंबे समय में ना संघर्ष कर रहे हैं उन्हें धन्यवाद दिया कि ओरन की परिक्रमा कराई इतने तमाम चीजा कर रहे हैं तो यहाँ की लड़ाई अब हमारी सांझी लड़ाई एक बार बचेड़ और बुलाओगे हमेशा बोला था।